मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के भुजुंगी चौक के समीप शराब लदे ट्रक के पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई मदनी शेर पटना और मनियारी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से की। मौके से ट्रक के ड्राइवर डोला राम को भी गिरफ्तार किया गया है। वह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। ट्रक की तलाशी ली गई, इसमें तहखाना बनाकर शराब के कॉटन को छुपाया गया था। इसे जब्त कर थाना लाया गया। गिनती करने पर कुल 525 कॉटन शराब बरामद हुई। इस मामले में मनियारी थाने में केस दर्ज करने की कवायद की जा रही है। मनियारी थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि जब्त शराब की खेप हरियाणा निर्मित है, ट्रक उत्तराखंड नंबर है। हालांकि उसका सत्यापन DTO से किया जा रहा है, क्योंकि कई बार शराब की खेप लाने के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल ट्रक वाले करते हैं, इसलिए नंबर का सत्यापन किया जा रहा है। थानेदार ने बताया कि मद्य निषेध पटना द्वारा सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली है। वहां से टीम पहुंच गई, फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इसे पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि ताजपुर होते हुए समस्तीपुर में पहुंचने का जिम्मा मिला था। इसके लिए 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। ट्रक का किराया और तेल का दाम अलग से देने की बात थी। उसे ताजपुर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल करना था। वहां से स्टॉक करते हुए शराब माफिया उसे समस्तीपुर से सुरक्षित ठिकाने तक ले जाते, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास से मिले मोबाइल से कई नंबर मिले हैं। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रक समस्तीपुर की तरफ जा रही है, उसको इसमें शराब लोड हुआ है, तो तत्काल कार्रवाई करने पर सफलता मिल सकती है। इसको तत्काल टीम गठित करके थाना स्तर से उस वक्त पीछा किया गया, तो रंगी चौक के मंदिर के पास से एक ट्रक बरामद हुई, उसे बेचारा पकड़ा गया, जिसमें जांच करने के बाद 525 का थे, उसमें शराब बरामद हुआ।